नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो, अभी हाल ही में 25 जनवरी यानी नेशनल वोटर्स डे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा एक बिग अनाउंसमेंट किया गया है। इन्होंने कहा कि अब कोई भी मतदाता देश में किसी भी हिस्से में क्यों ना रह रहा हो, अब वो वोटिंग के लिए बिना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ही शहर से ही वोटिंग कर पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट नाम दिया है और इसका कहीं कहीं पर विरोध भी हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे ध्यान से समझने वाले हैं कि ये रिमोट वोटिंग सिस्टम है क्या और इसके आने से प्रॉफिट क्या होगा और इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल भी है, मॉक ट्रायल्स ऑफ रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट सून चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर आईआईटी मद्रास और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। सिंपली मैं कहूं तो मान लो कोई एक व्यक्ति दिल्ली में है, दिल्ली का है और वो मुंबई में रहता है, मुंबई में जाकर काम करता है। तो यदि वह लोकसभा का इलेक्शन यदि हो रहा है इस टाइम पे मान लो, तो इस व्यक्ति को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने की जरूरत भी नहीं है वोट डालने के लिए। और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा पहले से ही बनाया गया कोई जगह होगी, है ना, तो वहां ये जाकर वोटिंग कर पाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा कदम उठाया गया है। अच्छा, अभी देखो जो वोटिंग सिस्टम है उसमें ईवीएम मशीन का यूज होता है और बहुत सी पार्टी ने इस पर भी सवाल उठाए हुए हैं। देखो, इसमें सवाल उठाने जैसी कोई बात नहीं होती क्योंकि इसमें ये एक सिंगल चिप डिवाइस होती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, और इसमें इसको किसी भी तरीके से नेटवर्क से ये बाहरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है। इसमें टू यूनिट होते हैं, कंट्रोल एंड बैलेटिंग, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। यहाँ बैलेट बटन को प्रेस करके इनेबल, ये जब प्रेस करते हैं तो इनेबल कर देता है वोटर्स को वोट डालने के लिए। और देखो, इसमें ये भी ट्रांसपेरेंसी होती है कि क्योंकि बाद में इसमें वीवीपैट के द्वारा ऑडिट इसका किया जाता है, इसमें एबिलिटी होती है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको और बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है रिमोट वोटिंग सिस्टम, ये ब्लॉकचेन पर आधारित है, जो टू वे रिमोट वोटिंग डिजाइन किया जाएगा, जिसे बोला जाता है कि ये टू वे रिमोट वोट जो वोटिंग है इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की बात माइंड में आ जाती होगी। देखो, ब्लॉक जो ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो ट्रांज ये जो होता है बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन होता है, ये ट्रांजिशन की लिस्ट को रिकॉर्ड रखता है बिना किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के बिना। यदि इसको सिंपली समझे तो यदि बिटकॉइन बेसिकली कंप्यूटर एक फाइल होता है, ये एक कंप्यूटर बेसिकली हाँ कंप्यूटर एक फाइल होता है, और आप अपने डिवाइस पर डिजिटल वॉलेट एप्स में स्टोर कर सकते हैं और इसी को, ठीक है, जो देखो बिटकॉइन एक बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर फाइल होता है जिसे आप अपने डिवाइस पर डिजिटल वॉलेट एप्स में स्टोर कर सकते हैं। लोग इस डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन भेज सकते हैं और ये सारी लेन देन पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये काफी सेफ भी होता है, लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। यदि आज की बात करें तो एक बिटकॉइन की जो कीमत है इंडियन रुपीज में वो 23 अराउंड 23 लाख रुपीज है। यदि इस रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ डेटा इंक्रिप्टेड इंपॉर्टेंट होगा कि जो डेटा होगा उसमें किसी तरीका मिसयूज ना किया जा सके। देखो, इसमें कोई भी वोट जैसे डाला जाएगा तो जो बैलेट होता है वो मतलब एकदम सिक्योर तरीके से इंक्रिप्टेड हो जाएगा और ब्लॉकचेन हैशटैग जनरेट होगा और इंक्रिप्टेड रिमोट जो वोटिंग होता है वो काउंटिंग स्टेज से पहले इसको वैलिड किया जाएगा, देखा जाएगा कहीं इसका मिसयूज तो नहीं किया गया, ये सारी चीजें इसमें सही है या इसमें ये चीजें सही नहीं है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि जो वॉलेट स्क्रूटनी विल बी इंक्रिप्टेड एंड ब्लैक चेन हैशटैग विल बी क्रिएटेड एंड द इंक्रिप्टेड रिमोट विल बी वैलिडेटेड बिफोर द काउंटिंग स्टेज। और देखो यहाँ पर इसका ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन देखो ये सब तो ठीक है लेकिन इसकी क्रिस्टोग्राफिक जो विशेषता है, क्रिस्टोग्राफिक के साथ साथ ये प्रणाली जो है, ये जो सिस्टम है, डेटा सुरक्षा और सत्यता का भी मतलब एकदम वेरीफाई इसको इसका वादा करती है, प्रॉमिस करती है। लेकिन ये फैक्ट कि यह एक नेटवर्क और डिवाइस पर निर्भर करेगा, किसी भी इंटरनेट आधारित प्रणाली में
मौजूद कमजोरियों का परिचय दे सकता है, ये चीज यहाँ पे इसके लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। देखो नवंबर 2020 में एमआईटी एंड हार्वर्ड रिसर्च, जो वहां पे रिसर्चर्स होते हैं, ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें इस पेपर के अनुसार उन्होंने बताया कि जो कुछ कंसर्न्स को राइज किया उन्होंने, उन्होंने बताया कि जो रिमोट ब्लॉकचेन जो बेस्ड सिस्टम पर, यहाँ पर ये जहां जहां पर भी ये सिस्टम यूज हुआ है, इस पेपर के जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, इससे परे जो ब्लॉकचेन कॉम्प्लेक्सिटी और इसके मैनेजमेंट को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, को इलेक्शन में इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने से पहले सारी चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, और जो पब्लिक है उनके पब्लिक के जो लोग हैं उनके भीतर इस चीज का विश्वास क्रिएट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी आगे बेहतर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनी वोटिंग नहीं करते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाते, तो ये उनके लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। और देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखो ये जो सिस्टम है, ये COVID-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए भी जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसके लिए भी कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे अभी आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देखा, उन्होंने मेल इन बैलेट सिस्टम का यूज किया था, जिसमें जो जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो बैलेट के थ्रू वोट देकर, यहाँ पर ये जो तो देखो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे सही साबित हो सकती है। यदि आप लोगों इस चैनल पर नए आए हो, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो चैनल पर, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप लोगों की इच्छा है, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो हाँ। लेकिन मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।